मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अंतर्गत 5,06,995 लाभार्थियों के खाते में 4,324 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया तथा उनके रोजगार के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से उनके आय के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप अब लोग जॉब करने वाले नहीं बल्कि जॉब देने की स्थिति में आ गए हैं तथा हर एक व्यक्ति अपने पास से लगभग 10 व्यक्तियों को नौकरी दे रहा है। उन्होंने कहा, यह नौकरी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार का पेट चलाता है तथा उससे एक परिवार आगे बढ़ता है जिससे पूरा गांव आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग जो प्रयास कर रहा है उसके लिए विभाग को बधाई देता हूँ। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रदेश के लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन धनराशि का हस्तांतरण किया है तथा विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया है तथा जनपद में 7 लाभार्थियों में चेक का वितरण किया गया है। इससे रोजगार में जनपद के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लाभार्थी अखिलेश प्रजापति तथा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज सर प्रदेश के सभी बैंकों के जो हमारे मुख्य महाप्रबंधक सभी आज तीन लगभग 5,06,000 हम लोगों ने 1 दिसंबर 5,31,440 लोन सेंक्शन हुए जिनका की डिसबर्समेंट 4,335 करोड़ था आपके कदमों से यहाँ पर बाकी जनपदों में भी स्थानीय स्तर पर वो लोग सभी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं सर बताना चाहूंगा, आपने जो मिशन रोजगार कार्यक्रम चलाया उसका मैं थोड़े से फिगर्स के साथ में आपके सामने रखना चाहूंगा कि जहां 2016-17 में बैंकों ने शॉर्ट में कमी है, बहुत लंबा नहीं होना, जहां 2016-17 में बैंकों ने 5,68,000 लोगों को एक साल में लोन दिए थे सर, पिछले साल 2020 और है जैसे आपने निर्देश किया था विश्वकर्मा सम्मान योजना में हम लोग पहले अभी तक केवल प्रशिक्षण देते थे 5 साल में उनका रैंडम हम लोगों ने सर्वे कराया था तो लगभग 11 लाख 27 लाख लोगों को रोजगार मिला था। हमारे सामने लगभग 95 लाख से अधिक 4,40,000 बैंक आज तक लोन हुआ है सर और इसकी संख्या में अगर हम इसी को एक्सट्रापोलेट करें तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग के मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी उदयवान जी, IDCC संजीव मित्तल जी, तो यहाँ पे सभी बैंकर्स और अधिकारीगण, सर आपके मार्गदर्शन में ये विभाग आगे बढ़ता गया है और आपके सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। उसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम और निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से जो अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं और साथ साथ बैंकों के साथ उसको मिलकर उनकी योजनाओं के साथ आपको क्या काम शुरू करेंगे? चिकनकारी का काम बहुत सुंदर। कितने का आप ले रहे हैं? 25 लाख दोनों लोग हैं काम है ना इनका चल रहा है? अच्छा काम करिए मेहनत से, कोई बात हो तो बताइएगा। आप भी कितना? आप 9,50,000 रुपया ले रहे हैं? ठीक है, आप बैंक SBI दे रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। SBI दे रहे हैं। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सर।
मशीन वगैरह लगाए? जी सर, मशीन मुझे मिला है। पहले मैं छोटा छोटा आइटम बनाते थे सर, जब से मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज मिला सर, मैं बड़े बड़े आइटम भी बनाना चालू कर दिए सर। अब मेरे द्वारा बनाई गई कलाकृति सर, 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे आपके द्वारा सर, गणेश जी की मूर्ति को दिया गया सर। आप देख रहे थे लगता है सर? जी सर। कितना साल भर में कितने की बिक्री हो जाती है सर? मैं 4 लोग हैं सर, ढाई लाख में सर बचा लेते हैं खा पी के कर कर तो कर, साल भर का? जी सर, साल भर का। जी सर, तो मुझे लगता है कि आपको देख करके तमाम लोग जो नौकरी सरकारी नौकरी कर रहे हैं सभी लोग अब इसी कार्य में आगे बढ़ेंगे। जी सर, सर 8 से 10 लोगों का भी मैंने तनख्वाह पे रखा हूँ सर। अरे वाह, बधाई आपको जी, अखिलेश जी औरंगाबाद में आप लोगों ने कमाल कर दिया है। तो जी, और बहुत बधाई आप लोग। देखिए, हम लोगों ने प्लास्टिक को बैन इसीलिए किया था। जी सर, ये प्लास्टिक जो है एक तो पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है जी। दूसरा तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म भी देता है जी सर। गाय खाती है तो गाय भी बीमार हो जाती है, और इसीलिए 2-3 चीजें की गई। एक हम लोगों ने माटी कला बोर्ड बनाया जी। माटी कला बोर्ड बनाने के बाद हम लोगों ने अप्रैल से जून तक हर गांव के तालाब को कुम्हार और प्रजापति समाज के लोगों को फ्री में देने की व्यवस्था करवाई जी सर। ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम शुरू किए, और शुरू करने के बाद एक व्यवस्था बनाई कि जो लोग ट्रेनिंग लेंगे उनको हम टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, सोलर चार्ज, ये सब उसी का पार्ट है जी सर। और हमें प्रसन्नता है कि आप लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और अनेक लोगों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहे हैं जी। अगले से आपको और आपसे जुड़े हुए तमाम उन कारीगरों को जो टेराकोटा के कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और टेराकोटा को आज एक आधुनिक रूप दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, उसी के साथ ये भी हो रहा है, विभिन्न बैंकों से यहाँ पर उपस्थित मुख्य महाप्रबंधकगण, अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा, और मेरे साथ प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और लाभार्थी काम जो भी कौन है, फिनिशिंग का जो देना है। मैं सबसे पहले एक लाभार्थियों को 4,313,58,00,000 रुपए के ऋण वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी लाभार्थियों को इसकी बधाई देता हूं। अभी मुझे सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर देहात, मथुरा और सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अफवाह केवल जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले की स्थिति में आ चुके हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में 3, 4, 5, 7, 10, 25, 50 तक रोजगार और नौकरी भी अन्य लोगों को दे रहा है। आप जब किसी एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं तो वह नौकरी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरा एक परिवार का पेट उससे भरता है। एक परिवार स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है, उसकी देखा देखी पूरा गांव उस एक नवाचार के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लगता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है वह एक अभिनंदनीय प्रयास है, क्योंकि रोजगार सृजन की ढेर सारी संभावनाएं इसमें है, और ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, और इस सबसे बड़े राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए क्लस्टर पहले से मौजूद है। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के क्लस्टर हमारे दूरदर्शी सोच के महापुरुषों ने स्थापित किए थे, जैसे मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, अलीगढ़ का हार्डवेयर के,
खुर्जा की क्रॉकरी, कन्नौज का इत्र, फिरोजाबाद की ग्लास की आइटम, इसी प्रकार से वाराणसी की साड़ी, भदोही की कालीन, लखनऊ की चिकन कारीगरी, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम, यानी हर एक जनपद का, गोरखपुर का टेराकोटा, हर एक जनपद की अपनी एक स्पेसिफिक पहचान और पत्थर में उनका नाम डाला, स्पेसिफिक पहचान थी। बीच के कालखंड में उस स्पेसिफिक पहचान को समाप्त कर दिया गया। हमारी सरकार ने उसको पुनरुद्धार करते हुए उसकी मैपिंग करना, उसको एक ब्रांड क्या चाहते हैं के रूप में स्थापित करना, और आज एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक ब्रांड बनाने के लिए एक उत्पाद को उस जिले के साथ जोड़ा है। ढेर सारी रोजगार की सृजन इसमें हुए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मानित करने, उनके प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं जिसके माध्यम से न केवल परंपरागत उद्यम हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, बल्कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय पे एक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिला को वहां के कार्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर पोषाहार मिशन के अंतर्गत गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को पोषाहार की जिम्मेदारी देकर के पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, या फिर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वे तमाम कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं जो मिशन शक्ति के साथ हर एक महिला को स्वावलंबन के सामने अग्रसर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने समय से ले गए अपने निर्णय, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से लागू किया है, और आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और तमाम अन्य योजनाओं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इन सभी के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक रोजगार की सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज यहाँ पर प्रदेश के अंदर हम लोग 75,000 महिलाओं को सभी जनपदों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनमें से 21,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण भी वितरित कर रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 75,000 परंपरागत कारीगरों को निशुल्क प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद आज उसमें से 25,000 परंपरागत कारीगरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हमने ऋण प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है। 10,000 प्रशिक्षण और हस्तशिल्पियों को निशुल्क उन्नत टूल किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर आज संपन्न हो रही है। यानी अपने आप में रोजगार सृजन का एक बड़ा अभियान है। और जो अभी हमारे विभाग के मंत्री बोल रहे थे, यानी देश के अंदर कोरोना कालखंड में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। लोग कहते हैं रोजगार पर कोरोना का असर पड़ गया, लेकिन मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा संचालित एक जनपद एक योजना की हमारी अभिनव अभियान हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को कब के कारण प्रदेश के अंदर जो व्यापक रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को संपन्न किया गया, आज इसके कारण प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में 40,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए, इन सबको प्रदेश के अंदर कार्य मिला, और आज प्रदेश के अंदर ही हम लोग 1,61,000 लोगों को अलग अलग उद्यम में कार्य देने में सफल हुए, 60,00,000 से अधिक लोगों को
जो प्रदेश के अंदर पहले से ही अलग अलग कार्य में हर ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्पी या कारीगर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं से आच्छादित करते हुए उनके जीवन में भी व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया गया और उन्हें स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। यह एक बृहद अभियान है, सतत चलने वाला अभियान। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी मेहनत पर को के साथ हम जुड़ते हुए उसको किसी रोजगार के साथ जोड़ते हैं तो यह समाज के स्वावलंबन की एक कड़ी होती है। एक व्यक्ति जब स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ता है, रोजगार पाता है, गांव में ही पाता है, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर लाभ अपने गांव और अपने समाज को देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश की प्रगति का, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रगति का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, हम लोग कोरोना कालखंड में भी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को 18% से कम करते हुए 4% में लाने में सफलता प्राप्त हुई, इसलिए क्योंकि बेहतर कानून व्यवस्था ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया, निवेश की संभावनाओं ने यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को एक नई गति दी और एक नई गति के साथ समयबद्ध ढंग से सभी कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। आज उसी का परिणाम है 5,695 लाभार्थियों को आज यहाँ पर 4,313,58,00,000 रुपए की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करने के साथ ही यहाँ पर टोल गेट वितरण की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई भी संपन्न की जा रही है। जिन लोगों को आज ये लोन मिल रहा है, मेरी उन सब से अपील होगी कि वे लोग अपने बैंकों के साथ सतत संवाद बना के रखें। बैंक का लोन लिया है शासन की योजना के साथ जोड़ते हुए समय से उसका चुकता भी हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम बैंकों के साथ जोड़ सके। दूसरा, लेन देन बैंक से अगर आप डिजिटली करेंगे तो आपको अतिरिक्त लाभ इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है, आपका समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें एक नया प्रयास प्रारंभ करना होगा। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि कोरोना कालखंड में तीसरी लहर को देखते हुए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी, कारीगर, कुली और जो श्रमिक हैं, इन लोगों को जिनकी एक निश्चित आय होगी उस आय से कम आय वर्गों के सभी उन लोगों को हम लोग प्रदेश के अंदर अगले 4 महीने के लिए 500 रुपए हर महीने भरण पोषण भत्ता की कार्रवाई भी इसके साथ कर रहे हैं, जिससे कोरोना कालखंड में किसी के सामने प्लान की नौबत ना ले पाए। आज मैं एक बार फिर से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग और उनसे जुड़े हुए सभी गणमान्यों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो वायदा से 3 महीने पहले किया था उसका जो पूरा कर रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को लेकर के, प्रदेश के स्वरोजगार को लेकर के। और साथ साथ में सभी बैंकर्स को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने रुचि ली, विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर शेड्यूल रेशियो में काफी अच्छी प्रगति की और आज लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 5,00,000 से अधिक लोगों को इस व्यवस्था के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य उन्होंने किया है। आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा नाम अखिलेश सिंह प्रजापति, ग्राम औरंगाबाद से, मैं राज पुरस्कार से सम्मानित भी हूँ। मुझे एक जनपद उत्पाद से मुझे सर टूल किट प्राप्त हुआ है। मैं पहले छोटे छोटे आइटम बनाते थे, अब जब से मिला मैं बड़े बड़े आइटम भी बनाना चालू कर दिए हैं सर। और मेरे पास 8 से 10 कारगर भी रखे हैं। मेरा आमदनी भी सर पहले की अपेक्षा से ठीक है, अब सर कोई दिक्कत नहीं है। कब आपके बिजनेस में बदलाव हुआ है? मेरा बदला आया है सर 2018 के बाद से, सर मेरा बदला हुआ है।
आज ने आप मुख्यमंत्री से बात किया, कैसा लगा आपको? मुझे सर अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए सर, और मेरे बनाया हुआ कलाकृति सर प्रधानमंत्री को 7 तारीख 2021 में दिया गया। क्या कहा मुख्यमंत्री जी? उन्होंने मुझे बहुत बहुत बधाई दी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से द्वारा MSME सेक्टर में विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को ऋण वितरण और टूल किट का वितरण कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, विश्वकर्मा सम्मान योजना ODOP आदि योजनाओं में, और इसमें हमारे जनपद में भी लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया गया है और उनका वितरण कार्यक्रम किया गया है। इससे रोजगार में सृजन MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए हम शासन को विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहेंगे।